गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हमारा पहला पाठ है तेरी है जमीन, जो कि प्रार्थना गीत है। प्रार्थना एक ऐसा शब्द है जो कि ईश्वर के लिए हम लोग उसकी आराधना करते हैं। प्रार्थना जो है मंदिर में होती है, स्कूल में होती है। प्रार्थना से जो है हमको एक अलौकिक शक्ति का एहसास होता है और हम अपने सुख दुख जो है ईश्वर से बांट सकते हैं। तो ऐसे ही एक प्रार्थना लेकर कुछ बच्चे आए हैं जो कि ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं और ये बताना चाह रहे हैं कि जब हमें कोई भी संकट अगर हमारे ऊपर आता है तो हमें कोई उपाय नहीं सूझता, हम तब हमें ईश्वर की याद आती है जो कि सर्वशक्तिमान है, दयालु है और ऐसे ईश्वर जो हमें हर मुसीबत से छुटकारा दिला सकते हैं। तो ये जो प्रार्थना गीत है इसमें बच्चों का ईश्वर के प्रति ऐसा ही एक विश्वास प्रकट हुआ है। पहली पंक्ति है, तेरी है सभी तेरा आसमान, तू बड़ा मेहरबान तू बख्शिश कर। यहाँ तू शब्द जो है, तू शब्द का उपयोग जो है ईश्वर के लिए कहा गया है। जमीन मतलब जमीन, आसमान गगन, मेहरबान मतलब हम पर खुश है और बख्शिश करना मतलब है माफ करना। तो ये कह रहे हैं, हे ईश्वर ये सारी धरती तुम्हारी है और आकाश भी तुम्हारा है, आप जो है बहुत दयालु हो और आप जो है हमसे जितनी भी गलतियां हुई हैं उनको हमेशा क्षमा करना। खुदा मेरे तू बख्शिश कर, हे ईश्वर, खुदा शब्द ईश्वर के लिए प्रयोग किया गया है। तो हे ईश्वर आप हमारे अपराधों को हमेशा क्षमा करना। सभी का है तू, सभी तेरे, आप हमारे हो और हम आपके हैं और इस कारण हमारी गलतियों को आप माफ कर दें। तेरी मर्जी से ऐ मालिक हम इस दुनिया में आए हैं। यहाँ पर मालिक शब्द का उपयोग ईश्वर के लिए कहा गया है। दुनिया मतलब संसार, मर्जी मतलब इच्छा। तो वो इन लोगों से कहते हैं कि भाई हे ईश्वर, हे दुनिया के मालिक, आपकी इच्छा से ही इस दुनिया में हमारा जन्म हुआ है, आपकी कृपा से ही हमें जिस्म और जान मिले हैं, मतलब हमें प्राण मिले हैं, हमें शरीर मिला है, प्राण मिले हैं। आप अपनी तू अपनी नजर हम पर रखना, इसलिए आप अपनी दृष्टि हमेशा, आप पालनहार हो, आप अपनी दृष्टि हम पर हमेशा बनाए रखना और हम किस हाल में हैं इसकी खबर हमेशा लेते रहना। किस हाल में है खबर रखना मतलब हमको हमारे सुख दुख का हमेशा ध्यान रखना, अगर हम पर कोई मुसीबत आई हो तो उसको दूर करने की कोशिश करना। अंत में बच्चे कहते हैं, तू चाहे तो हमें रखे, तू चाहे तो हमें मारे, तू हमें इस धरती पर रख भी सकता है, चाहे तो हमें मार भी सकता है। हम सब आज जो है आपके सामने सिर झुकाकर जो है सभी लोग आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, हम आपके शरण में आए हैं। हे शक्तिमान, हे सर्वशक्तिमान, जो कि आप सबसे बड़ी ताकत वाले हो, आप चाहो तो हमारी हर आफत दूर कर सकते हो, आप हमारी हर मुसीबत दूर कर सकते हो और हमें जीवन जीने का सही रास्ता दिखा सकते हो। हमें आप पर पूरा विश्वास है, आप हमारी हमेशा मदद करोगे। यहाँ पे उनकी प्रार्थना खत्म होती है। अब इसमें आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि अभी जो असाइनमेंट आपको दिया है उसमें मतलब पूरा सॉल्व किया हुआ है। उसके बाद इसमें जो एक्टिविटी है पेज नंबर 8 पर, उसमें प्रार्थना गीत लिखना है। तो उसमें आपको कोई दो प्रार्थना गीत 8-8 लाइन जो है उसकी लिखना है, बाकी ग्रामर वगैरह सब इसमें किया हुआ है। तो आपका जो होमवर्क है वो कविता को 2 बार लिखना है, उसके बाद उसको लर्न करना है और पूरा लेसन जो है रिवाइज करके रखना है। थैंक यू।